पढ़ेंगे क्या है उसे, देखेंगे उसमें भी क्या है नोटिस में। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आगे क्या क्या चीज है उसका जवाब दे दो, तो जवाब दे देंगे उसको। हाँ, तीन दिन अभी दो दिन का समय और है। हाँ, तो दे देंगे जवाब। नोटिस में आपको ब्लेम किया गया है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल है इनोवेट, ये पूरा जो राउडी एलिमेंट आ गया था, आप क्या कहेंगे? अच्छा, जब किसान में बुलाई, मैं अब ये कहूँ की किसान मैंने नहीं बुलाए भाई, किसान आए हैं, जो किसान संगठन है यहाँ पे, सबकी जिम्मेदारी पे वो आए हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं पूरे किसान संगठन उसकी के आए यहाँ पे। लेकिन जो लाल किले वाला चूक हो गई, नहीं नहीं क्या चूक होगी, अगर किसान यहाँ पे हैं तो चूक कहेंगी, किसान यहाँ पे आए शांतिपूर्ण तरीके से रूट पूरा, वो जब जवाब आएगा हम उसको देंगे और हमने उसकी फोटोग्राफी पूर्ण रूप से करवाई। आपने कहा था बक्कल उतार दी जाए, क्या उसी बयान की वजह से सब कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमने ये कहा कि जो रूट इन्होंने दिए उस पर बैरिगेटिंग करी, तो कटघरे में यहाँ का प्रशासन भी है, मतलब जो रूट देख के, जो लिखित में हमारे पास में रूट है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन ने उस रूट को बंधक बनाया और दिल्ली जाने वाले रूट को फिर ही छोड़ा। भाई झंडे पे कोई जा रहा और कोई वो लगा रहा तो फायरिंग क्यों नहीं हुई? कहाँ थी पुलिस? कैसे आदमी वहां तक चला गया? लेकिन अब कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत जी ने ये गोली मारने वाली बात क्यों कही, क्या हिंसा भड़काना चाहते थे? नहीं नहीं, हिंसा भड़काने का क्या मतलब है भाई, पुलिस ने क्यों जाने दिया वहाँ पे? हिंसा का थोड़ा मतलब था, हिंसा का क्या मतलब था वहाँ पे भाई? कोई झंडे पे वो लगाएगा तो क्या करोगे, उसको फूल चढ़ाओगे? उसको फिर जाने भी दिया, अरेस्ट नहीं करा, अभी भी नहीं उसके खिलाफ कुछ हुआ है। जिसने पूरे देश का माहौल खराब करा है वो कौन आदमी भाई? पूरी एक बिरादरी को बर्बाद करने का काम जिसने करा है।